हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इकाई 3 के बारे में बात करेंगे, जो प्रथम सेमेस्टर डीएलएड में दिया हुआ है। भिन्न भिन्न की संक्रिया के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग भिन्न को देखेंगे। भिन्न भिन्न के बारे में हम जानेंगे। तो भिन्न का होता है, भिन्न कैसी होती है? P/Q के रूप में जो होता है, जैसे 1/3, 1/2, 4/2, ये सब भिन्न है। तो भिन्न की संक्रिया को जानने के लिए हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि राजू है और उसकी माँ उसको भिन्न के बारे में बताना चाहती है। तो उसने क्यों उसकी माँ ने क्या किया कि एक रोटी ली और उसको बीच से तोड़ दिया। तो राजू से पूछी कि ये क्या है। तो राजू ने बोला, माँ यह आधी रोटी है। तो इसका मतलब हुआ 1/2, मतलब ये 2 बराबर भागों में बट गई। फिर उसकी माँ ने उसे एक और रोटी ली और उसको 4 बराबर भागों में बांट दी। तो फिर राजू से पूछिए क्या, तो बोला राजू कि यह चौथाई भाग है, इसका मतलब 1/4। तो इस तरह राजू की माँ ने राजू को भिन्न के बारे में बताया। हमें भिन्न में समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, बड़ी भिन्न, भिन्नों का गुणा व भाग पढ़ना है। इससे आपके परीक्षा में अधिक से अधिक सवाल, एक सवाल तो निश्चित आना है इस परीक्षा से। भिन्न से आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे हम भिन्न के बारे में। तो हम बात करते हैं समतुल्य भिन्न की। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है वह भिन्न जो एक अपने से समान हो, जैसे 1/3। 1/3 के समतुल्य क्या होगा? इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो हमको 2/6। ये क्या है, 1/3 के आप कटा भी सकते हैं। 2/6 को 3 2 से कटाइए, 2 1 2 और 2 3 6, 1/3 प्राप्त हो गया। तो यह क्या हो गया, यह समतुल्य भिन्न, इससे समतुल्य भिन्न हो गई। समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए जैसे 2 से गुणा किए तो 3 से कर लेंगे, जैसे 3 गुणते 3 तो हो गया 3/9। अब समतुल्य भिन्न है, 3 से कटाएंगे तो 3 1 3 और 3 3 9, 1/3 आ गया ना। तो यह क्या है, 1/3 का समतुल्य भिन्न 2/6 और 3/9 है। आपके परीक्षा में पूछता है प्रश्न की पूछ दिया 1/2 के 3 समतुल्य भिन्न बताइए। तो अब क्या करेंगे, 1/2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2/4 आ जाएगा। 1/2 में 3 का ऊपर और नीचे 3 का भी गुणा कर देंगे, 3/6। ये भी समतुल्य भिन्न है, आप देख सकते हैं। 1/2 ऊपर 4, नीचे 4 का गुणा कर दीजिए तो 8। ये भी समतुल्य भिन्न है। तो हमें 3 समतुल्य भिन्न जाननी थी, तो हमको 1/2 की समतुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। 1/2 की समतुल्य भिन्न 2/4, 3/6, 4/8 हो गया। इसी तरह हमने समतुल्य भिन्न सीख लिया। तो अब हम इसके भाग और गुणे के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 1/2 × 2/2 कर दीजिए। अब गुणा करिए क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 9 4, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा। और कभी भी आप ऐसे ही गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करेंगे, जैसे 3/3 × 3/3 तक 9/9।
और संख्याएं हम देख सकते हैं, जैसे 2/6 × 1/3, तो 2 × 2 हो गया। हम भाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भिन्न के भाग के लिए आप 1/2 / 3/2 भिन्न का भाग आप कैसे लगाएंगे? भिन्नों का भाग लगाने के लिए आप चिन्ह को बदल भी सकते हैं। जब आप चिन्ह को बदलेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, जैसे तो ये 2/3 हो जाएगा। जब भी आप भाग की संक्रिया करेंगे तो आप गुणे में ज्यों बदलेंगे वो तुरंत भिन्न को बदल ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे / 1/2, तो हम 4/2 × 2/1 कर देंगे, 4 × 8 = 2, यही उत्तर हो गया। जब भी हम ऐसा करेंगे तो उसको बदल देंगे। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या और हम लेते हैं, 7/2 / 3/4, तो 7/2 × 4/3, इधर वाली संख्या को हमेशा हम पलट देंगे, तो 28/6 सामने की सामने गुणा करके लिख देंगे। यही है, एक सवाल आपका इससे निश्चित बनने वाला है। भिन्न भिन्न को आप सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल इससे जरूर बनेगा आपका। वो ऑप्शन में आए या अति लघु उत्तरी में या लघु उत्तरी में, एक जरूर आने वाला है। धन्यवाद। आगे क्लास इसी तरह देखते रहिएगा।